तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो हमारा 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है। सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सोमराज जब लाइव आए थे तो लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सोल को ज्वाइन कर सकते हो क्या। तो इस चीज़ का उन्होंने रिप्लाई करा एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहीं पता मेरे को। एंड अपनी नेक्स्ट चीज़ कर रहे बात कर लेते हैं। तो स्काउट जब लाइव आए थे तो बात करते TX के बारे में, मावी के बारे में, इसी के साथ साथ उन्होंने BGMI के बारे में बात करी। BGMI पबजी इस बारे में वो बात कर रहे थे एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गेम इन जनरल? ओके गेम इन जनरल यार, पबजी इमोशंस थे यार, ये जो भी बोल रहे हो। सच बताओ तो पबजी वो एक कनेक्ट, पता है एक वो टाइम होता था, मेरे को ऐसा लगता है पता है रीज़न क्या है कि सबको पबजी बहुत ज़्यादा मिल गया। अब पहले लोग टाइम निकालते थे, अब लोगों के सामने ही हर जगह सुबह टूर्नामेंट रात को टूर्नामेंट। देखो यार मेरा ये मानना है, बाकी लोगों का अलग ओपिनियन होगा, आई फील लाइक पहले कैसा होता ना कि लोग वेट करते थे कि यार आज रात को टूर्नामेंट होने वाला है तो आज सुबह काम निपटाते हैं, वेट करते हैं, पूरी इंडिया इकट्ठे एक टाइम पर आती थी टूर्नामेंट देखने। अब क्या हो गया कि यार किसी का सुबह काम रहेगा तो आदमी सुबह काम निपटाएगा, रात को आएगा, किसका रात को काम रहेगा तो आदमी सुबह स्ट्रीम देख लेगा। तो वैसा हो गया। अब पहले लोगों को टाइम निकालना पड़ता, अब लोगों को अवेलेबिलिटी मिल गई है। अब जिस चीज़ का अवेलेबिलिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसका अपना हो जाता है। तुम खुद सोचो यार कि अगर जैसे कि ले लो कि एक टूर्नामेंट होता था पहले, राइट, महीने में एक बार। तो पे जो समझ लो टूर्नामेंट हो रहा है और आपको पता है कि 3 से 6 होने वाला टूर्नामेंट है 3 घंटे का, तो आप सुबह से स्कूल से जल्दी आओगे, ऑफिस वाले होंगे ऑफिस में अपना ब्रेक लेंगे, आएंगे बैठेंगे मस्त 3 से 9 3 से 6 सब बैठ के देखेंगे। अब क्या हो गया है अगर जिसका ऑफिस है बोला अरे छोड़ ना सुबह क्या देखना शाम को देखता हूँ, बच्चे जो स्कूल से आते हैं लोग अरे यार रात को देखते हैं, जो काम करते हैं लोग सुबह देख लेते हैं, स्प्लिट हो जाती चीज़ें। बहुत सिंपल वाली चीज़ है यार स्क्रिम्स। मेरे ख्याल से स्क्रिम्स को अगर सर्वाइव करना गेम में कंटेंट को, पबजी में कंटेंट नहीं बचा है, BGMI में कंटेंट नहीं बचा, BGMI में अब सिर्फ बचा है जो है ई स्पोर्ट्स पे ही हर चीज़ है। तो वही चीज़ है, इसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो TX देन क्या कोई चेंजेस होंगे TX में? मी एंड मावी आर गोना स्टिक टुगेदर, बाकी जो चेंजेस होना होगा मावी के कॉल पे। आई हैव टेकन ऑफ फ्रॉम द मेजर डिसीजंस ऑफ टीम एक्स पार्क, ऑन पेपर मैं हूँ बट जो भी चीज़ें संभालना होता है एवरीथिंग इज ऑन मावी। हम लोग मावी सजेशन की होगा तो मेरे को पूछेगा, बट मावी के हाथ में पूरा कमांड दिया गया है, जिसको बिठाना है, जिसको खिलाना है, मेरे को बिठाना है मेरे को बिठा दे, खुद को बैठना खुद बैठ सकता है, नए प्लेयर खिलाना है मावी पे, हर एवरीथिंग इज ऑन मावी। तो उसको उसका राउंड टीम बना दो, हम लोग उसमें उंगली नहीं करेंगे। ही इज़ द मास्टर माइंड, ही इज़ वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट आइडियल्स ऑफ ऑल टाइम, ही इज वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, लेट हिम हैंडल इट। एंड अपनी नेक्स्ट चीज़ के बात कर लेते हैं। तो माया भी जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे TSM के बारे में, दूसरी टीम्स के बारे में, एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Is TSM the number one contender to win BMPS? Not number one, but yeah, one of them. And TSM ने अपने आप को प्रूव किया है, they just won the LAN event and वो अभी पीक पे है, Ninja, Equinox, सब अपनी पीक पे है। डेफिनेटली अगर सही तरीके की तैयारी बाकी टीम्स ने नहीं करी तो प्रोबेबली TSM यहाँ से बहुत ईजिली ये जीत भी सकती है, बिकॉज वो अपने प्लान्स अपने बेसिक्स में बिल्कुल क्लियर है। बाकी टीम्स ExoSG के अलावा थोड़ा अभी रफ फेज में है, किसी का डाउनफॉल चल रहा है, कोई बहुत टाइम से खेली नहीं है, ये लोग का डाउनफॉल चल रहा है, और भी है बहुत सारी टीम, 7CB आई थिंक अभी जस्ट फाइट नाइट में अपनी कमबैक कर ही आई थी, सो इट विल टेक टाइम, इट विल बी अ फन इवेंट, ऑल आई नो इज इट विल बी अ वेरी फन इवेंट, इट विल बी गुड। एंड अपने नेक्स्ट चीज़ कह रहे हैं बात कर लेते हैं। तो सोमराज से लोग ये भी पूछ रहे थे कि मतलब अगर कोई प्लेयर कोई ऑर्ग ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चेक करना चाहिए, एंड इसी बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऑर्ग्स के बारे में बात करी है, उन्होंने एक्सप्लेन करा इस पूरी चीज़ को, एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। से अगर हम कोई ऑर्ग मेरे को अप्रोच किया, क्या सीन ये कौन है भाई? हाँ, तो जैसे मेरे को कोई ऑर्ग अप्रोच किया तो पहले हम उसका कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका फंडिंग क्या है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका विजन क्या है, उसका उन लोग चाहता क्या है हमारे से, परफॉर्मेंस चाहता है, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन चाहता है, और क्या चाहता है। हाँ, ये दो चीज़ होता है। तो
सबका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, और फिर उसका तुम्हें बैकग्राउंड चेक करना होता है कि उन लोग कितना क्या कर रहा है, मतलब कौन कौन से कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनल और का बता रहे हो, कौन कौन से कंट्रीज में उन लोग, इनका फिर थोड़ा वो चेक करना होता है कि इन लोग वो सैलरीज टाइम पे देते हैं कि नहीं, इनके प्लेयर्स तुमसे खुश है कि नहीं, तो सब चीज़ तुमको चेक करना पड़ता है कोई भी और ज्वाइन करने से पहले। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी और भी जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगी और फिर जितना प्रॉमिस बोलेंगे अरे हाँ मैं तब ये दूंगा वो दूंगा, फिर तुमको कुछ नहीं देती है, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें, तो तुमको एक बार पहले चेक करना होता है कोई भी और ज्वाइन करने से पहले। और सबका पहला और हमको लगता है कि स्कैम नहीं बट हाँ बहुत लोगों का होता है कि पहला और स्कैम ही रहता है। जैसे मेरा पहला और था, मतलब पहला और नहीं, एक मतलब एक बंदा था जो कि मेरे को फॉल्स प्रॉमिस करके मेरा जो वो बनाया था नाम VST जो कि PMS पर रजिस्टर किया था, तो उसका वो नाम चोरी कर लिया था, फिर उनको नाम बदलना पड़ा था, VXT करना पड़ा था। एंड नेक्स्ट यूज़ कर रहे बात कर लेते हैं, तो मोटर जब लाइव आए थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि सोल की रोटेशन सेम है एंड इसकी वजह से टीम उनको टारगेट कर सकती है मेन इवेंट के अंदर, एंड इसी के बारे में मोटर ने रिप्लाई करा, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। We watching your stream from past 2019. Every other team knows Soul's rotation, holding places, every bit of team Soul. Other teams will target in main tournament. अरे, पुष्टेला श्रीकरण इतना टेंशन नहीं लेते, पोची बाहर है, ऐसा नहीं होता रे पुष्टेला, तो अभी देखो 2050 में भी Soul अगर खेल रही रहेगी तो थोड़ी ना 2019 की रोटेशन कर रही होगी, कह रहे तुम। एंड बस आज की वीडियो को एक खत्म कर लेते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करवा देना।